Hello friends, welcome to Surjit Biology Tricks, Biology Made Easier. Today I am here to tell you a topic on Helminths Diseases and also made a trick to remember it very easily. So please friends, like, share and subscribe. Thank you. As we all know, most of the helminth diseases are spread by contamination of food and water. So today I'll tell you all the vectors as well as all the diseases which are spread by the helminth diseases. So the trick is fact set. All the facts are set. Fact set. ये हमारी ट्रिक है, इसे बोलते हैं फैक्ट सेट. मतलब ये फैक्ट सेट के अंदर सारी की सारी हेलमिंथ डिजीजेस आ जाती हैं, जितने भी एस के हेलमिंथिस और प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर जो भी वर्म्स आते हैं उनसे फैलने वाली सभी बीमारियां इसके अंदर आती है, फैक्ट सेट के अंदर. तो इसको डिकोड करते हैं दोस्तों. फैक्ट सेट करके डिकोड करेंगे तो क्या आएगा, एफ से होता है फाइलेरियासिस. फाइलेरियासिस जिसे हमारी भाषा में हाथी पाव बोलते हैं, इसका दूसरा नाम एलिफेंटियासिस भी होता है. एलिफेंटियासिस दूसरा है दोस्तों. ए हो जाएगा एस्केरियासिस, जो कि एस्केरिया से फैलता है. एस्केरियासिस अगला आएगा दूसरा दोस्तों. सी से हो जाएगा कंजक्टिवाइटिस. ये हमारी आई की जो कंजक्टाइवा होती है इस पर इन्फेक्शन फैलाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, मौसम बदलता है तो आईज में रेडनेस आती है, इसे बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस. ये हो जाएगा कंजक्टिवाइटिस. अगला हो जाएगा टी से टीनियासिस. टीनियासिस ये फैलता है टीनिया सोलियम, ये होता है टीनिया सोलियम से टीनियासिस. इसका दूसरा नाम है सिस्टिसरकोसिस. सिस्टिसरकोसिस को बोलते हैं. आगे आएगा दोस्तों ऐसे हो जाएगा साइको स्टोसोमियासिस. ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, इसकी स्पेलिंग बहुत खतरनाक है, तो याद कर लेंगे साइको स्टोसोमियासिस. अगला आएगा दोस्तों एंटेरोबियासिस. और आखिरी आएगा दोस्तों ट्राइकिनोसिस. टी से हो जाएगा ट्राइकिनोसिस. हमें ये क्लियर हो गया कि फैक्ट शीट के अंदर जितने भी हेलमेंट कॉजिंग डिजीज होती हैं सारी की सारी हमें याद हो जाएंगी. अब बात करते हैं इनको फैलाने वाले जो वेक्टर्स होते हैं, ये किनके द्वारा या किसके द्वारा फैलती है, ये होती नहीं है, फैलती किसके द्वारा, जो वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो आइए देख लेते हैं वेक्टर्स के बारे में. तो पहला फाइलेरियासिस का होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो. क्यूलेक्स मॉस्किटो ये दिन के मच्छर होते हैं और वो भी फीमेल. ज़्यादातर पूरी बायोलॉजी में ज़्यादातर बीमारियां फीमेल ही कॉज करती हैं, ठीक है ना. फीमेल मॉस्किटो मैक्सिमम जब भी वेक्टर होगा तो यही बीमारी फैलाएगा. अगला दूसरा आ गया एस्केरियासिस, जिसमें पेट में कीड़े हो जाते हैं. ये होता है कंटेमिनेशन से, गंदा खाना गंदा पानी कंटेमिनेशन से फैलता है. फिर आया एक दूसरा कंजक्टिवाइटिस, ये भी गंदा खाना गंदा पानी गंदे कपड़े गंदा वातावरण, ये भी कंटेमिनेशन से फैलता है. ज़्यादातर ये पानी कंटेमिनेशन, तो वाटर कंटेमिनेशन इसमें मेनली बताते हैं, वाटर कंटेमिनेशन. टीनियासिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुअर का मांस जो पोर्क खाते हैं उनको ये टीनियासिस होता है टीनिया सोलियम के थ्रू, तो ये फैलता है पोर्क के द्वारा. जो भी पोर्क को कच्चा पका खा लेते हैं, ठीक से पकता नहीं है, तो इनको ये आता है टीनियासिस. सिस्टिसरकोसिस होते हैं ये भी इसी द्वारा, इसका ये लार्वल स्टेज होता है टीनिया सोलियम का, इसको भी सिस्टिसरकोसिस के नाम से भी जानते हैं. आ गया है साइकोस्टोमियासिस, ये स्नेल से फैलता है. पहले जानवरों में होता है फिर इंसान में फैलता है, उन्हीं से ट्रांसफर होता है. एंटेरोबियासिस ये भी क्या होता है, ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कंटेमिनेशन से फैलता है. और इसका कुछ नहीं होता, इसका भी पता नहीं किससे फैलता है, इसका नन कर लिखेंगे, ठीक है. तो हमें पता चल गया कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं, या किसके द्वारा ये फैलता है, ये बीमारी कैसे फैलती है, ये सारी की सारी जो हमारे सामने है
ठीक है। और अब हम बताएंगे कि इसके कॉजिटिव एजेंट्स कौन कौन, ये तो वेक्टर्स थे, अब कौन कौन से कारण से, मतलब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कौन कौन से हेलमिंथ्स है जिनके कारण ये बीमारियां फैलती हैं। हेलो दोस्तों, मैंने अभी तक आपको बताया था कि हेलमिंथ्स से जो वेक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा हेलमिंथ्स की डिजीज फैलती है वो मैंने बताया था। अब मैं बताऊंगी कौन कौन से हेलमिंथ्स इन डिजीज के लिए कॉजिटिव एजेंट होते हैं, किनकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो आइए देखते हैं, पहला है हमारे सामने ये है फाइलेरिया। फाइलेरिया बहुत से ज्यादातर लोगों को पता, हमने बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, होता है इसका नाम विचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, विचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई। ये जिम्मेदार किसके लिए होता है? फाइलेरिसिस के जिम्मेदार होता है, इसको बोलते हैं विचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई। अगला आता है दूसरा एस्केरियासिस के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स, एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स ये जिम्मेदार होता है एस्केरियासिस के लिए। कंजक्टिवाइटिस के लिए लोला लोआ जिम्मेदार होता है, इसका नाम बहुत ही मजेदार है, इसको बोलते हैं लोला लोआ, इसे आई वर्म भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं आई वर्म। तो ये याद कर लेंगे, पूछा हुआ एम्स वगैरह में कि कंजक्टिवाइटिस के लिए कौन जिम्मेदार, लोला लोआ, लोला लोआ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आएंगे, मैंने अभी भी बताया आपको कि टीनियासिस के लिए कौन जिम्मेदार, मैंने बताया पोर्क वर्म होता है जो, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम ये जिम्मेदार होता है किसके लिए, टीनियासिस के लिए। अब साइकोस्टोमिनेसिस के लिए साइकोस्टोमा, हिमेटोबियम, हिमेटोबियम साइकोस्टोमा हिमेटोबियम जिम्मेदार होता है किसके लिए, साइकोस्टोमियासिस के लिए। फिर आएगा एंट्रोबियासिस, इसमें होता है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, इसके जिम्मेदार होता है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। ये सारे के सारे कॉजिटिव एजेंट हैं, सारे के सारे हेलमिंथ्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे, आपको ये याद करने पड़ेंगे। आगे आता है ट्राइकोनियासिस के लिए होता है ट्राइकोनेला, तो ट्राइकोनेला जिम्मेदार होता है ट्राइकोनेला। तो हमने ये सब पढ़ करके क्लियर कर लिया कि कौन कौन से वेक्टर से फैलते हैं हेलमिंथ डिजीज, और उसके बाद कौन कौन जिम्मेदार है इनके पॉजिटिव के कॉज के लिए, इनके कॉज के लिए मतलब किसकी वजह से होते हैं। और अगला लेक्चर दोस्तों होगा हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए, इसके मैंने ट्रिक बनाई है और आपको अच्छे से याद करा दूंगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हमारे कोर्स में कौन कौन सी है, कौन कौन सी आने वाली है। तो आइए दोस्तों, अगर आपको पसंद आया ये लेक्चर तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।